अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन भुना गोश्त। आप इसको मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं, मटन भुना हुआ गोश्त भी। मटन भुने हुए गोश्त में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने मटन ले लेना है। तकरीबन मेरे पास 3-3.5 किलो के करीब मटन है, हड्डी वाला मटन है। उसके बाद आपने 1.5 किलो टमाटर लेके उनको छील के इस तरह से रफली चॉप कर लेना है। सूखा हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 कप दही, हरा धनिया फॉर गार्निशिंग और कुकिंग में दोनों में यूज़ करेंगे हम, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 अदद लीमू लेके उसका जूस निकाल लिया है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अदरक आप ये देख रहे हैं कुछ जूलियन में काट के मैंने रखी हुई है। हम इसको लास्ट में अपनी डिश में डालेंगे और इस गार्निश करेंगे इसे। 3-4 अदद हरी मिर्चें, 1-2 बड़ी प्याज लेके उनको स्लाइस कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ में जो प्याज होती है उनको लेके हम इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। और हमने तकरीबन 2 कप पानी ले लेना है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम आप यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि हमने सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, पैन में अपना गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद उसमें 2 कप पानी ऐड करके इसको आप चाहें तो प्रेशर कुकर में या चाहें तो वैसे ही हाफ गला लें, पूरा नहीं गलाना। इसको हम हाफ गलाएंगे और पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर देंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ, आप अपनी सहूलत के हिसाब से जैसे गलाना चाहें हाफ गला लें गोश्त। फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। पहले हम गोश्त गलाते हैं, फिर उसके बाद हम इसके मसाले की तरीके की तरफ चलते हैं, मेथड की तरफ। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। जैसे मैंने आपको कहा था इसको हम हाफ डन कर लेंगे, हाफ डन मैंने इसको कर लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब हम इसके मसाले की तरफ चलते हैं। आपने एक दूसरा पैन ले लेना है, उसमें आपने कम से कम 2 कप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि हमारी गोश्त की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। 2 कप इसमें ऑयल ऐड करके हम अपनी ये स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हल्का गोल्डन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट पिंक करना है। ये आप देख सकते हैं जब हमारी प्याज हल्की पिंक कलर में आना शुरू हो जाए तो आपने ये ज़ीरा ऐड कर देना है इसमें। ज़ीरा 1-2 मिनट हमने इसमें फ्राई कर देना है प्याज के साथ। 1-2 मिनट मैंने ज़ीरा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपना लहसुन अदरक ऐड कर दूँगी। अब इसको हम 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद मैं अपने ये टमाटर ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, टमाटर गल जाएँ, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए क्योंकि ऑलरेडी हमारा गोश्त गला हुआ है। इसलिए हम टमाटर को बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से गला के। अच्छा, अब ये देख सकते हैं मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, पानी इसका 99% खुश्क हो गया है। अब हम इस पोजीशन पे अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर ये भी हसबे ज़रूरत, क्योंकि मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी हम ये साबुत अदरक ऐड करके अब इसको मज़ीद हम 2-3 मिनट भून लेंगे। ये देख सकते हैं आप मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें अपना गोश्त ऐड करूँगी मटन का। अब ये देख सकते हैं मैंने अपना तमाम मटन का गोश्त इसमें ऐड कर दिया है।
इसको अच्छी तरह से मैं ऊपर नीचे करके मिक्स कर लूँगी। तमाम गोश्त ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैं ये अपना दही इसमें ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे ढक कर रख दूँगी, क्योंकि जो हमारी 10% कसर बाकी है गोश्त गलने की वो इस टमाटर के और दही के पानी में गल जाएगा। जैसे ही हमारा गोश्त कम्प्लीटली गल जाएगा फिर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर देंगे। दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप इसके अंदर इस तरह से हरी मिर्चों को बीच में से 2 करके, एक हरी मिर्च के, अब वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कंप्लीट पानी दही का भी टमाटर का भी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है और गोश्त भी मेरा बहुत अच्छे से गल गया है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इस पॉइंट पे इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1 से 2 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर। हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। खुदा हाफिज़।